Hello everyone, this is Preeti. Welcome back to my channel. If you like my recipes, please subscribe the channel. आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। पास्ता बनाने के बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स टाइम टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट। पास्ता बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 कप पानी ऐड किया है। अब हम पानी को गर्म करेंगे। जब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए, हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा सा नमक। जब पानी अच्छे से उबलने लगे, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। मैंने यहाँ पे पैने पास्ता यूज किया है, आप कोई भी शेप का पास्ता यूज कर सकते हैं। अब हम पास्ता को उबलने देंगे। आइडियली पास्ता को उबलने में 6 मिनट लगते हैं, तो 6 मिनट के बाद हम हमारे पास्ता को चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप एक पास्ता को किसी भी प्लेट में लीजिए और उसे फोर्क की हेल्प से कट कीजिए। अगर वो इजीली कट हो रहा है, इट मीन्स आपका पास्ता कुक हो गया है। पास्ता को कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए। अब हम पास्ता को स्ट्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे और इस तरीके से हमारा पास्ता रेडी है। अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। व्हाइट सॉस के लिए मैंने एक पैन में बटर डाला है। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें हम मैदा डालेंगे। अब हम मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। हमें एकदम धीमी आंच पे इसे सेकना है और इसका कलर चेंज नहीं करना। जब मैदा रोस्ट हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है और इसे बीटर की हेल्प से अच्छे से व्हिस्क करेंगे। इसको चलाना ज़रूरी है, नहीं तो लम्स आ जाते हैं। आप देख रहे हो हमारा सॉस एकदम क्रीमी बन रहा है। यहाँ पे मैंने अराउंड 1.5 कप जितना पानी मिल्क ऐड किया है और इसे अच्छे से व्हिस्क करते रहेंगे। अब हमारा सॉस रेडी है। हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ी सी शुगर, ये टोटली ऑप्शन है। मैं इसमें डालूंगी ऑरेगानो, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें चीज भी डाल सकते हो। ये हमारा क्रीमी सॉस बनके रेडी है। अब हम सारे वेजिटेबल्स को टॉस करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर लिया है। और बटर के ऊपर मैंने गार्लिक डाला है। और इसे अच्छे से सौते करेंगे। जब गार्लिक गोल्डन हो जाए, अब इसमें डालेंगे ऑनियंस। यहाँ पे मैंने प्याज को क्यूब्स में कट कर लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में।
अब मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड किया है। आप चाहो तो रेड और येलो बेल पेपर भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉर्न को बॉईल करके उसके पैनल से निकाल लिए थे, वो इसमें ऐड किए हैं। आप इसमें कैरेट, जुकीनी, ब्रोकली ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स। और हम सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम सारी वेजिटेबल्स को व्हाइट सॉस के साथ मिक्स करेंगे। व्हाइट सॉस को इस तरीके से मैंने एक बार वीडियो से चला लिया है। आप देख रहे हो हमारी सॉस की कंसिस्टेंसी। अगर आपको सॉस थोड़ी थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। सॉस को और क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम डाला है। अमूल फ्रेश क्रीम डालने से सॉस बहुत क्रीमी हो जाती है और ये बिल्कुल बाहर की सॉस जैसी ही टेस्ट आती है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक बहुत ध्यान से डालना, हमारी सॉस में भी नमक है और पास्ता में भी नमक डाला था हमने। अब हम सारी सॉस को मिक्स करेंगे और इसमें हम पास्ता डालेंगे। कवर करके पास्ता को 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमारा पास्ता बनके रेडी है। आप देख सकते हो ये कितने टेम्पटिंग दिख रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर चीज ऐड कर रही हूँ। पास्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बना है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू।